सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि हमारे मुकुंद जोशी व्लॉग्स चैनल पे आज 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि मैंने इसके पीछे मेहनत की है। तो गाइज मुझे पता है कि ये कैसे अचीव हुए है, एंड ये 8 महीने की मेहनत मेरी ये रंग लाई है आज। एंड दोस्तों यूट्यूब का एक समझ लो एक तरीके का ये रूल है कि स्टार्टिंग का आपका जितना ग्रोथ स्लो होगा उतना बाद में वो स्पीड होने लग जाता है ग्रोथ, क्योंकि आपका कंटेंट उतना भरने लग जाता है यूट्यूब के डेटाबेस सर्वर पे। दोस्तों आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ डेली अपलोड्स करने हैं, डेली टाइम टू टाइम वीडियोस डालने हैं, तो आपकी ग्रोथ दोस्तों कोई नहीं रोक सकता और आपको सक्सेस मिलना तय है यूट्यूब पे। एंड दोस्तों मैं एक ब्लॉगर हूँ तो रोज यहाँ वहाँ भटकते रहता हूँ और ऐसे घूमते हुए वीडियोस बनाता हूँ पूरे घर में यहाँ वहाँ, बट आज मैं एक ही जगह पे बैठ के वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जो मेरे भाई बहन अगर ऐसे वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो वो स्किप कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं ये वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आज पूरा यहीं पे होने वाला है और पूरा यूट्यूब जर्नी के बारे में होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की, जो कि यूट्यूब चैनल चलाने के लिए चाहिए होती है। सबसे ज्यादा लोगों का यही डाउट होता है कि हमारे पास डिवाइस कौन सा होना चाहिए, इंडोर सेटअप क्या होना चाहिए, लाइटिंग वगैरह क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं तो एक व्लॉगर हूँ बट ये जो मैं पोजीशन में बैठा हूँ ऐसे वीडियोस में बहुत रेयर कभी कभी बनाता हूँ। तो दोस्तों मेरा बहुत बेसिक सा सेटअप है, एक सामने रिंग लाइट है जो कि वो भी सही हालत में नहीं है, टूट गया है वो भी, बट उससे काम चल जाता है। एक टेबल है, एक चेयर है और बैकग्राउंड थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ आईफोन हो तो ही अच्छी वीडियो क्वालिटी आती है, बट आपके पास अगर एंड्रॉयड फोन भी है और वो 4K 60 FPS तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है दोस्तों, तो वो बहुत इनफ हो जाता है। तो आप ऐसा मन में डाउट मत रखना कि आईफोन होना ही कंपलसरी है, आप एंड्रॉयड से भी दोस्तों कर सकते हैं यूट्यूब अपना स्टार्ट। एंड दोस्तों बड़े व्लॉगर्स को या सबको देख के यूट्यूबर्स को डिमोटिवेट नहीं होना है कि इसकी क्वालिटी ऐसी है या मेरी, आपको पहले एक कदम बढ़ाना होगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं। आप प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे और फिर बोलोगे अरे यार इसका क्वालिटी ऐसा आ रहा है मेरा ऐसा है, तो आप धीरे धीरे करते जाओगे अपने आप, तो टाइम बाय टाइम आपका भी क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप लोग खुद देख सकते हो मेरा स्टार्टिंग का पहला वीडियो जाके देखना और अभी का देखना, मैं ये नहीं बोल रहा अभी बहुत बड़े लेवल का प्रोफेशनल बन गया हूँ, बट आपको क्वालिटी में डेफिनेटली फर्क दिखेगा ही दिखेगा, पहले की क्वालिटी में और अभी की क्वालिटी में। एंड गाइस सेकंड पॉइंट ये डाउट होता है लोगों को कि फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि आपको चीजों की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, एक एंड्रॉइड फोन हो या फिर iOS डिवाइस हो, आप किसी भी फोन से कंफर्टेबली कर सकते हैं अपना काम। एंड द सेकेंड थिंग इज दोस्तों आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो है नीश चूज करना। तो आपको पहले नीश चूज कर लेना है कि दोस्तों मुझे किस चीज के रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने हैं, जैसे कोई कोई ट्रेडिंग्स पे बनाते हैं, कोई कोई मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, कोई कोई उसके अलावा व्लॉगिंग करते हैं, कोई मोटो व्लॉगिंग करते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के फनी वीडियोस बनाते हैं, तो मतलब अलग अलग सबका नीश होता है। तो आपको चूज कर लेना है कि पहले आपको किस वे में जाना है, ऐसा नहीं कि आप अभी चूज कर रहे हो फनी वीडियोस का फिर बाद में आप चले गए टेक्निकल चैनल बना लिया उसको ही, तो सब मिक्सअप नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपको स्टार्टिंग से एक ही नीश चूज करना है और एंड तक उसी में बने रहना है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट सबको होता ही होता है दोस्तों कि हमें शॉर्ट्स बनाना चाहिए या लॉन्ग वीडियोस बनाना चाहिए। अब दोस्तों बात यह होती है कि लोगों के पास आजकल ज्यादा टाइम होता नहीं है, एक्चुअली हम देखने जाए तो लोगों को हर एक चीज बहुत जल्दी चाहिए, फटफट देखना रहता है। तो शॉर्ट्स एक ऐसा वे है जहां पे लोगों को आप आसानी से 1 मिनट के अंदर आप हर एक चीज बता सकते हो कि क्या कर रहे हैं आप, मतलब 1 मिनट के अंदर आप जो भी अपने चैनल को एक्सप्रेस करना चाहते हो वो वहां से कर सकते हो। तो आप शॉर्ट से सब्सक्राइबर्स भी बहुत जल्दी गेन कर लोगे दोस्तों एंड ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, बट एक दिक्कत है दोस्तों, वो सब्सक्राइबर्स आपके लॉन्ग वीडियोस नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि वो आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं आपके शॉर्ट वीडियो देखने के लिए। लॉन्ग वीडियोस पे अगर आपको गेन करना है दोस्तों तो उसका एक ही तरीका है, आपको लॉन्ग वीडियोस कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर अपलोड करना है। आपको व्यूज की तरफ नहीं देखना है क्योंकि आपको शॉर्ट के कंपैरिजन में लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज नहीं मिलने वाले हैं बिल्कुल भी। तो दोस्तों आपको लॉन्ग वीडियोस कंसिस्टेंसी के साथ बनाते रहना है, उस पर डे बाय डे आपको ग्रोथ दिखेगी एंड वो नेचुरली अपने आप ग्रो होगा। एंड अब चीजें बताऊंगा मैं जो आपको अवॉइड करना है यूट्यूब पे। आपको अवॉइड ये चीज करनी है कि दोस्तों आपको पता है जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट बूस्ट करने का ऑप्शन होता है,
वहाँ पे हम पैसे भर के अपना पोस्ट बूस्ट कर सकते हैं। वैसे YouTube भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम पैसे भरे और अपना चैनल बूस्ट कर ले, या फिर अपना कंटेंट, किसी सेलेक्टेड कंटेंट को हम बूस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने ये कर लिया गलती, तो दोस्तों आपका चैनल कम्प्लीटली डेड हो जाएगा। आप थोड़ा धैर्य रख लेना, पेशेंस रख लेना, बट ये सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि अगर आप इस चक्कर में पड़ गए तो YouTube समझ लेगा कि आपके कंटेंट में दम नहीं है, इसलिए आप पुश करने के लिए पैसे डाल के एड रन्स कर रहे हो ताकि आपका कंटेंट बूस्ट हो, तो अपने आप वो एल्गोरिथम में अपने आप आपका चैनल डाउन हो जाता है दोस्तों। तो आपको ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम दोस्तों यूट्यूब के नए आने वाले अपडेट्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन अपडेट आने वाला है, और सब क्रिएटर्स लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जो कि है यूट्यूब का क्रिएट ऐप। ये क्रिएट ऐप दोस्तों एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बीटा वर्जन में आ चुका है, ऑलरेडी आउट है वो, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो क्रोम ब्राउजर्स वगैरह से, कहीं से भी आपको इजीली मिल जाएगा। बट iOS वालों को दोस्तों थोड़ा यहाँ पे वेट करना होगा, क्योंकि iOS वालों के लिए 2024 में ऑफिशियली YouTube ने बता दिया है कि उनका YouTube क्रिएट ऐप आने वाला है। उस ऐप में दोस्तों हमें हर एक एडिटिंग टूल मिल जाएगा, Instagram रील्स एडिट करने से लेके YouTube के लॉन्ग वीडियोस एडिट करने तक, जैसे कि ऑडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी, जो कि आपको YouTube की अभी भी ऑडियो लाइब्रेरी मिलती है, जहाँ पे आप कॉपीराइट फ्री साउंड्स यूज कर सकते हैं। बट वो कॉपीराइट फ्री साउंड्स जो यूट्यूब की लाइब्रेरी में होते हैं, अब उसका लिंक अप हो चुका है यूट्यूब क्रिएट ऐप के साथ। तो दोस्तों अब आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक भी आप वही ऐप से बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। एंड गाइस, उसके अलावा फिल्टर्स ऑप्शन, कट्स, निपिंग, फिर ओवरलेज हो गए, बैकग्राउंड्स हो गए, हर एक चीज आपको वहां पे मिल जाएगी दोस्तों। तो बस मैं तो उसी का वेट कर रहा हूँ, एंड एंड्रॉयड यूजर्स उसे एंजॉय कर सकते हैं अभी। एंड दोस्तों, हमारा कोई भाई अगर आज से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे एक चीज का मैं गाइडेंस दे सकता हूँ जो मैंने गलती की थी, कि हमारे चैनल का नाम स्टार्टिंग से वो रखना है जैसे कि ये हमारा यूट्यूब का मतलब खुद का अपना नाम हो गया, जो कि आपको चैनल पे डालना है, एंड आप क्या चीज बता रहे हो उसमें, तो अपने नाम के साथ वो चीज को कंबाइन करके वो चैनल का नाम रख लेना है आपको। जैसे कि अब मैंने अभी रखा है मेरा नाम मुकुंद जोशी व्लॉग्स, तो मतलब मेरा नाम भी इसमें आ गया, और लोग जो सर्च करेंगे कि जो टर्म डालेगा वहां पे कि व्लॉग्स, तो उसमें भी मेरे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मेरा चैनल शो करने लग जाएगा धीरे धीरे, जब मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है कि आप ज्यादा स्ट्रेस ना ले यूट्यूब नाम को लेके, सिंपली अपना नाम रख लेना आपको, क्योंकि आप ज्यादातर प्रोफेशनल्स लोगों को देखेंगे तो उन्होंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं किया, वो सिर्फ अपना नाम डाल देते हैं, दैट्स इट। बाकी आप एनी टाइम चेंज तो कर ही सकते हो, आपके पास ऑप्शंस है ही, यूट्यूब आपको ऑलवेज अलाउ करता है यूट्यूब का नाम चेंज करने के लिए चैनल का, तो आप कर सकते हैं बाद में। बट अगर मेरी तरफ से आप देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अपना नाम ही रख लेना चाहिए, वो बेस्ट है। एंड गाइस, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि अपने यूट्यूब वीडियोज में टाइम पास बहुत ज्यादा कर लेते हैं, कि हेलो गाइस तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो हो गया, तो अभी इधर, वो नहीं करना है गाइज। हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ताकि हमारे व्यूवर्स का टाइम वेस्ट नहीं हो, और कट टू कट वो वीडियो देख पाए और वो वीडियो स्किप ना करे। तो इसकी वजह से ये चीज का बहुत ध्यान रखें कि आपको टाइम पास नहीं करना है, सीधा मुद्दे की बात पे आना है। अब बारी है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, थंबनेल की। थंबनेल देखकर ही दोस्तों आपकी ऑडियंस आएगी और आपका वीडियो देखेगी कि थंबनेल में आप क्या बता रहे हो। थंबनेल का दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और ज्यादा सोचना भी नहीं है उस चीज के बारे में, क्योंकि आप लोग अगर YouTube पे एक्सप्लोर करोगे और देखोगे अलग अलग चैनल्स को, तो अरे भाई बहुत प्रोफेशनल लेवल्स के तुमको थंबनेल्स भी दिखेंगे और एकदम फेल लेवल वाले भी दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग अपने वीडियो के हिसाब से बनाना है, वो मैं बताता हूँ। बट आपको ये नहीं सोचना है कि आप वो प्रोफेशनल लेवल वाले थंबनेल की एक्टिंग करके फिर सेम टू सेम अपने चैनल पे छाप दो वैसा करके, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको एक थीम मेंटेन करना है अपने वीडियोस की, अपने थंबनेल की, जो आपके चैनल पे सूट करेगा। सिंपली आपको क्या करना है, आपके कीवर्ड्स निकाल देना है मेन जो वीडियो में आप बता रहे हो पूरे दिन का, उसको आपको टेक्स्ट में टाइप कर देना है थंबनेल के ऊपर, और एक इमोजीज डाल देना है उसके रिलेटेड, बस हो गया दोस्तों। एंड सिंपली आपको जो मेन उसका सीन है, जो पूरे वीडियो का मेन सीन आ रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, या फिर एकदम समझ रहे हो ना, एकदम शॉकिंग जो पिक्चर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है वो क्लिप में से, पूरे वीडियो में से आपके, एंड उसको ही आपको थंबनेल पे लगा देना है, एंड उसके नीचे इंटरेस्टिंग सा टाइटल डाल देना है दोस्तों।
एंड बहुत लोग एक ये गलती भी करते हैं दोस्तों कि टाइटल में साथ में हैशटैग्स भी डाल देते हैं, तो वो बहुत गंदा लगता है गाइस, कसम से उसको करना मत वो गलती। आपके पास हैशटैग्स डालने का ऑप्शन ऑलरेडी रहता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बारी है एडिटिंग की बात करने के लिए दोस्तों। तो एडिटिंग के लिए दोस्तों मैं यूज करता हूँ VN एडिटर और कैपकट। कैपकट दोस्तों आपको नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे लीगल नहीं है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बट नहीं पता है तो दोस्तों आपको सर्वर चेंज करके डाउनलोड करना होगा। iOS डिवाइस की बात कर रहा हूँ, एंड एंड्रॉइड यूजर्स को तो टेंशन ही नहीं है, वो तो आजाद परिंदे हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उन लोग को कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं किसी चीज का, तो एंड्रॉइड यूजर्स तो डाउनलोड कर लेंगे। और आईफोन वाले भी सर्वर चेंज करके, कंट्री चेंज करके आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे कि कैसे कैपकट डाउनलोड करें तो आप इजीली कर सकते हैं डाउनलोड। एंड कैपकट के दोस्तों फीचर्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ट्रांजिशन इफेक्ट्स हो गए और बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स है ना, वीडियो इफेक्ट्स हो गए, बॉडी इफेक्ट हो गए, बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपको वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड VN एडिटर दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसका इंटरफेस भी बहुत ज्यादा सिंपल है एंड उसमें भी फीचर्स आपको भर भर के मिल जाते हैं, तो आप VN एडिटर भी यूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों एक चीज और बता दूं, मैं लॉन्ग वीडियोस एडिट करने के लिए VN एडिटर यूज करता हूं एंड शॉर्ट वीडियोस के लिए कैपकट यूज करता हूं, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस को इतना इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसमें इफेक्ट्स बहुत सारे मिल जाते हैं कैपकट में। लॉन्ग वीडियोस में जो इफेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़े बहुत मैं कैपकट से भी यूज कर लेता हूँ कभी कभी, नहीं तो मोस्ट ऑफ तो मैं VN एडिटर ही यूज करता हूँ दोस्तों, क्योंकि उसमें इनफ इफेक्ट्स मिल जाते हैं आपको लॉन्ग वीडियोस में एडिट करने के लिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यही था जो मुझे इन्फॉर्मेशन देना था कि 2024 में आप अपने नए चैनल के साथ नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। एंड गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे डेली व्लॉग्स देखना दोस्तों, क्योंकि ये मेरा व्लॉग चैनल है बट ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मैं बहुत कम डालता हूँ कभी कभी, तो चलता है इस चैनल पे, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।